बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो के अंदर हम ब्लूम टैक्सोनॉमी के बारे में बात करने जा रहे हैं, तो आइए अपनी वीडियो का आगाज करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, बेंजामिन सैमुअल ब्लूम एन अमेरिकन एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट वाज बॉर्न इन लैंसफोर्ड पेंसिल्वेनिया ऑन फेब्रुवरी 21st 1913, 1914, 1915, 1916। इट्स करेक्ट आंसर इज 1913। यानी बेंजामिन सैमुअल ब्लूम जो थे वो फरवरी 21st 1913 में पैदा हुए। बेंजामिन ब्लूम डाइड इन हिज होम एट द एज ऑफ 86 ईयर्स इन शिकागो ऑन सितंबर 13, 1977, 1998, 1999, 2002। इट्स राइट आंसर इज 1999। यानी बेंजामिन ब्लूम जो थे वो सितंबर 13, 1999 में शिकागो में फौत हुए। ब्लूम टैक्सोनॉमी इज अ एप्लीकेशन सिस्टम यूज्ड टू डिफाइन एंड डिस्टिंग्विश डिफरेंट लेवल्स ऑफ ह्यूमन मूड, एटीट्यूड, बिहेवियर, कॉग्निशन। इट्स राइट आंसर इज कॉग्निशन। यानी ब्लूम टैक्सोनॉमी जो है ये क्लासिफिकेशन सिस्टम है जिसके तहत हम कॉग्निशन को डिफाइन करते हैं और जो कॉग्निशन के जो डिफरेंट लेवल्स हैं उनके ऊपर बात की जाती है। ह्यूमन कॉग्निशन मीन आवर थिंकिंग, लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग। यानी कॉग्निशन क्या होती है या ह्यूमन कॉग्निशन ये है कि हमारी सोचने समझने की, हमारी सीखने की और हमारी जो समझने की सलाहियत होती है इसको हम कॉग्निशन का नाम देते हैं। ए ग्रुप ऑफ एजुकेटर्स लेड बाय ब्लूम 1956 क्लासिफाइड द एजुकेशनल लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स इनटू हाउ मेनी डोमेन। यानी ब्लूम्स और उसके साथियों ने एजुकेशनल लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को कितनी डोमेन्स के अंदर क्लासिफाई किया, 2, 3, 4 और 6। इट्स राइट आंसर इज 3। यानी ब्लूम और उसके साथियों ने एजुकेशनल लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को 3 डोमेन्स के अंदर पेश किया। द डोमेन्स ऑफ लर्निंग आर कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन, साइकोमोटर डोमेन, all of these। Its right answer is all of these। Yani cognitive domain, affective domain और psychomotor domain जो है ये तीनों ही domains of learning। Which domain was presented by Benjamin Bloom in 1956? Cognitive domain, affective domain, psychomotor domain, all of these। इट्स राइट आंसर इज कॉग्निटिव डोमेन। यानी बेंजामिन ब्लूम ने 1956 में कॉग्निटिव डोमेन को पेश किया था। अफेक्टिव डोमेन वाज प्रेजेंटेड बाय डेविड क्रैथवोल इन 1956, 64, 72 और 2001। इट्स राइट आंसर इज 1964। डेविड क्रैथवोल ने 1964 में अफेक्टिव डोमेन को पेश किया। हु प्रेजेंटेड साइकोमोटर डोमेन इन 1972? बेंजामिन सैमुअल ब्लूम, लॉरीन डब्ल्यू एंडरसन, डेविड रीटन क्रैथवोल, एलिजाबेथ जेन सिम्पसन। इट्स राइट आंसर इज एलिजाबेथ जेन सिम्पसन। यानी 1972 में सिम्पसन ने साइकोमोटर डोमेन को पेश किया था। विच डोमेन इन्वॉल्व द डेवलपमेंट ऑफ आवर मेंटल स्किल्स एंड द एक्विजिशन ऑफ नॉलेज? कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन, साइकोमोटर डोमेन, ऑल ऑफ दीज।
इट्स राइट आंसर इज कॉग्निटिव डोमेन। यानी जो कॉग्निटिव डोमेन है वो हमारी मेंटल स्किल्स यानी थिंकिंग और जो एक्विजिशन ऑफ नॉलेज है इसके बारे में बात करती है। कॉग्निटिव डोमेन कंसिस्ट्स ऑफ कैटेगरीज, लेवल्स, सब ग्रुप्स और सब डोमेन्स 5, 6, 7, 8। यानी कॉग्निटिव डोमेन को कितनी कैटेगरीज, लेवल, सब ग्रुप्स या सब डोमेन्स के अंदर डिवाइड किया गया है। इट्स राइट आंसर इज 6। यानी कॉग्निटिव डोमेन के फर्दर 6 लेवल्स हैं। द राइट सीक्वेंस ऑफ द सब ग्रुप्स ऑफ द कॉग्निटिव डोमेन इज इट्स राइट आंसर इज ऑप्शन ए नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सेंसेस, एवेल्युएशन। यानी कॉग्निटिव डोमेन की जो राइट सीक्वेंस है उसमें पहले नंबर पर नॉलेज है और जो इसका लास्ट लेवल है वो एवेल्युएशन है। द लोएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग इन कॉग्निटिव डोमेन इज नॉलेज, एनालिसिस, एवेल्युएशन, सेंसेस। कॉग्निटिव डोमेन का लोएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग कौन सा है? इट्स राइट आंसर इज नॉलेज। यानी जो नॉलेज है ये कॉग्निटिव डोमेन में लोएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग है। यानी जो पहला लेवल है लर्निंग का वो नॉलेज है। द हाईएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग इन कॉग्निटिव डोमेन इज नॉलेज, सेंसेस, एवेल्युएशन, एनालिसिस। इट्स राइट आंसर इज एवेल्युएशन। कॉग्निटिव डोमेन में जो हाईएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग है उसको हम एवेल्युएशन का नाम देते हैं। नोइंग, मेमोराइजिंग एंड रिकॉलिंग ऑफ प्रीवियसली लर्न मटीरियल और इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड नॉलेज, सिंथेसिस, एवेल्युएशन, एनालिसिस। इट्स राइट आंसर इज नॉलेज। यानी पहले से जो मटीरियल या इंफॉर्मेशन हमारे माइंड के अंदर मौजूद होती है हम उसको नॉलेज का नाम देते हैं। टू अंडरस्टैंड और ग्रास्प द मीनिंग्स ऑफ द मटीरियल इज नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एवेल्युएशन, एनालिसिस। इट्स राइट आंसर इज कॉम्प्रिहेंशन। यानी किसी भी मटेरियल या किसी भी इंफॉर्मेशन का जो मीनिंग्स होते हैं, जो उसका जो मफहूम होता है, जब हम उसको अंडरस्टैंड करते हैं तो इसको हम नाम देते हैं कॉम्प्रिहेंशन का। टू यूज और अप्लाई प्रीवियस लर्न मटेरियल इन अ न्यू सिचुएशन इज कॉल्ड नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस। इट्स राइट आंसर इज एप्लीकेशन। यानी पहले से जो हमने मटेरियल या इंफॉर्मेशन या कुछ सीखा हुआ है जब हम उसको एक नई सिचुएशन के अंदर अप्लाई करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो इसको हम नाम देते हैं जी एप्लीकेशन। और एप्लीकेशन जो है ये कॉग्निटिव डोमेन के अंदर थर्ड लेवल ऑफ लर्निंग है। एग्जामिनिंग एंड ब्रेकिंग डाउन इंफॉर्मेशन और मटीरियल इन टू पार्ट इज नोन एज नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस। इट्स राइट आंसर इज एनालिसिस। यानी किसी मटेरियल या किसी इंफॉर्मेशन को उसके पार्ट्स में अलग अलग कर देना ताकि हर पार्ट को इजीली समझा जा सके, अंडरस्टैंड किया जा सके, तो हम इसको नाम देते हैं जी एनालिसिस का। टू पुट आइडियाज टूगेदर टू फॉर्म अ न्यू होल इज कॉल्ड नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, सिंथेसिस, एनालिसिस। इट्स राइट आंसर इज सिंथेसिस। यानी जो आइडियाज हैं जो हमारे पास डिफरेंट पार्ट्स हैं किसी भी मटेरियल के, जब हम उनको दोबारा से जोड़कर एक नई फॉर्म के अंदर, एक नई शेप के अंदर लाते हैं, तो हम इसको नाम देते हैं जी
सेंसेस का। टू नो वैल्यू वर्थ आर सिग्निफिकेंस ऑफ इंफॉर्मेशन आर मटेरियल इज कॉल्ड नॉलेज कॉम्प्रिहेंशन सेंसेस अवैल्यूएशन। इट्स राइट आंसर इज अवैल्यूएशन, यानी किसी भी इंफॉर्मेशन या किसी भी मटेरियल की कदरों कीमत या सिग्निफिकेंस के बारे में जब हम बात करते हैं तो इसको हम नाम देते हैं जी अवैल्यूएशन का। और जो अवैल्यूएशन है ये कॉग्निटिव डोमेन के अंदर हाईएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग है। द अप्रोप्रिएट एक्शन वर्ब्स आर बिहेवियरल वर्ब्स, डिफाइन डिस्क्राइब फाइंड आइडेंटिफाई इंडिकेट लेबल लिस्ट मैच नेम रिकॉल रिसाइट सेलेक्ट स्टेट टेल अंडरलाइन राइट व्हाट व्हेन हु एटसेट्रा आर एग्जांपल्स ऑफ नॉलेज लेवल एवेल्युएशन लेवल एप्लीकेशन लेवल एनालिसिस लेवल। राइट आंसर इज नॉलेज लेवल, यानी जितने भी यहाँ एक्शन वर्ब्स दिए हुए हैं ये सारे के सारे नॉलेज लेवल के बारे में बात करते हैं। द एक्शन वर्ब्स कंपेयर कॉम्प्रीहेंड कंक्लूड कॉन्ट्रास्ट डेमोन्स्ट्रेट एक्सप्लेन एक्सपाउंड इलस्ट्रेट आउटलाइन प्रिडिक्ट रिफ्रेज एटसेट्रा आर अप्रोप्रिएट फॉर नॉलेज लेवल कॉम्प्रीहेंशन लेवल सेंसेस लेवल एनालिसिस लेवल। इट्स राइट आंसर इज कॉम्प्रीहेंशन लेवल, यानी जितने भी यहाँ पर एक्शन वर्ब दिए गए हैं ये सारे के सारे कॉम्प्रीहेंशन लेवल्स के वर्ब हैं। द एक्शन वर्ब्स अप्लाई कंस्ट्रक्ट क्लासिफाइड डेवेल्प ऑर्गेनाइज सॉल्व टेस्ट यूज यूटिलाइज एटसेट्रा आर एग्जाम्पल्स ऑफ नॉलेज लेवल एवेल्युएशन लेवल एप्लीकेशन लेवल एनालिसिस लेवल। इट्स राइट आंसर इज एप्लीकेशन लेवल, यानी अप्लाई कॉन्स्ट्रक्ट क्लासीफाई डिवेल्प ऑर्गेनाइज सॉल्व टेस्ट यूज यूटिलाइज वगैरह जो हैं ये वर्ब सारे एप्लीकेशन लेवल के बारे में बात करते हैं। एक्शन वर्ब्स एनालाइज एज्यूम ब्रेकडाउन क्लासीफाई कंपेयर कंट्रास्ट डिसेक्ट डिस्क्रिमिनेट डिस्टिंग्विश डिवाइड इंस्पेक्ट एग्जामिन इन्फर रीजन रिकॉग्नाइज सेपरेट सिंप्लीफाई सेक्शन सब डिवाइड टेक अपार्ट एटसेट्रा आर एग्जाम्पल्स ऑफ नॉलेज लेवल एवेल्युएशन लेवल एप्लीकेशन लेवल एनालिसिस लेवल। राइट आंसर इज एनालिसिस लेवल। द एक्शन वर्ब्स बिल्ड क्रिएट कंबाइन कंपाइल कंपोज कंस्ट्रक्ट डिवेल्प डिजाइन डिराइव फार्मुलेट जनरेट हाउ मेक मेकअप मॉडिफाई प्रोड्यूस प्लान सजेस्ट प्रपोज ऑर्गेनाइज रीअरेंज रिकंस्ट्रक्ट सिंथेसाइज व्हाट राइट एटसेट्रा आर एग्जाम्पल्स ऑफ नॉलेज लेवल एवेल्युएशन लेवल सेंसेस लेवल एनालिसिस लेवल। राइट आंसर इज सेंसेस लेवल, यानी जहां जितने भी एक्शन वर्ब दिए गए हैं ये सारे के सारे सेंसेस लेवल के एक्शन वर्ब हैं। द एक्शन वर्ब अप्रेज एक्सेप्ट रिजेक्ट असेस चेक चूज कंक्लूड क्रिटिसाइज decide, defend, determine, discriminate, evaluate, interpret, justify, judge, prioritize, rate, rank, tell, support, umpire, weigh, which, etc. are examples of knowledge level, evaluation level, senses level, analysis level. Right answer is एवेल्युएशन लेवल, यहाँ जितने भी एक्शन वर्ब दिए गए हैं ये सारे के सारे एवेल्युएशन लेवल के बारे में बात करते हैं। द सक्सेसफुल स्टूडेंट विल रिकॉग्नाइज और रिकॉल लर्न इंफॉर्मेशन
इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉलेज लेवल, एवेल्युएशन लेवल, एप्लीकेशन लेवल, एनालिसिस लेवल। यानी एक जो सक्सेसफुल स्टूडेंट है वो सीखी गई जो इन्फॉर्मेशन है उसको रिकॉग्नाइज करेगा या उसको दोबारा अपने जहन में लाएगा। तो ये किस लेवल का क्वेश्चन है जी? नॉलेज लेवल। द सक्सेसफुल स्टूडेंट विल रीस्टेट और इंटरप्रेट इंफॉर्मेशन इन देयर ओन वर्ड्स डील्स विद नॉलेज लेवल, कॉम्प्रीहेंशन लेवल, एप्लीकेशन लेवल, एनालिसिस लेवल। यानी जो सक्सेसफुल जो स्टूडेंट्स हैं वो किसी भी इंफॉर्मेशन को रीस्टेट कर सकते हैं, यानी उसको दोबारा अपने लफ्ज़ों में बयान कर सकते हैं या उसका जो मफहूम है, जो मीनिंग्स हैं उसको अपने वर्ड्स में बयान कर सकते हैं। तो ये किस लेवल के बारे में स्टेटमेंट है जी? तो इसका राइट आंसर है कॉम्प्रीहेंशन लेवल। द सक्सेसफुल स्टूडेंट विल यूज और अप्लाई द लर्न इंफॉर्मेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। यानी जो कामयाब तालिब इल्म है, जो एक सक्सेसफुल स्टूडेंट है, वो जो पहले से उसने इंफॉर्मेशन सीखी हुई है, जब उस इंफॉर्मेशन को एक नई सिचुएशन के अंदर वो अप्लाई करेगा, तो ये किस लेवल के बारे में स्टेटमेंट होगी? एप्लीकेशन लेवल के बारे में। द सक्सेसफुल स्टूडेंट विल एग्जामिन द लर्न्ड इंफॉर्मेशन क्रिटिकली इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉलेज लेवल, एवेल्युएशन लेवल, एप्लीकेशन लेवल, एनालिसिस लेवल। यानी एक सक्सेसफुल स्टूडेंट है वो किसी भी लर्न्ड इंफॉर्मेशन को, किसी भी उसने जो भी उसने इंफॉर्मेशन पहले से सीखी हुई है, जब उसको क्रिटिकली एग्जामिन करेगा तो उसको हम नाम देते हैं एनालिसिस लेवल का। द सक्सेसफुल स्टूडेंट विल क्रिएट न्यू मॉडल्स यूजिंग द लर्न इंफॉर्मेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेंसेस लेवल, एवेल्युएशन लेवल, एप्लीकेशन लेवल, एनालिसिस लेवल। यानी जो एक सक्सेसफुल स्टूडेंट है उसने जो पहले से इंफॉर्मेशन, जो मटीरियल सीखा हुआ है, उसको एक नई सिचुएशन के अंदर, जब उस इंफॉर्मेशन से कोई वो नया मटेरियल, कोई नया मॉडल डिज़ाइन करेगा, तो ये किस लेवल के बारे में बात होगी? सेंसेस लेवल, एवेल्युएशन लेवल, एप्लीकेशन लेवल या एनालिसिस लेवल की? तो इसका राइट आंसर है सेंसेस लेवल। द सक्सेसफुल स्टूडेंट विल असेस और जज द वैल्यू ऑफ लर्न मटीरियल और इंफॉर्मेशन इज। भाई जब बात की जाएगी असेस या जज की, यानी ये ऐसे एक्शन वर्ब्स हैं जो हमें एवेल्युएशन के बारे में बता रहे होते हैं, तो इस स्टेटमेंट का जो करेक्ट आंसर है वो है जी एवेल्युएशन लेवल। यानी जो कामयाब स्टूडेंट है, जो एक सक्सेसफुल स्टूडेंट है, वो लर्न मटेरियल को, यानी जो उसने जो मटेरियल पहले से लर्न किया हुआ है या वो सीख चुका है, जब उसकी वैल्यू के बारे में वो जज करेगा, उसकी वर्थ के बारे में जानने की कोशिश करेगा, तो इसको हम नाम देते हैं एवेल्युएशन लेवल का। हु इन्वेंटेड टेलीफोन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि किसने टेलीफोन को इन्वेंट किया था। दिस क्वेश्चन इज अबाउट नॉलेज क्वेश्चन, कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चन, सेंसेस क्वेश्चन और एनालिसिस क्वेश्चन। इट्स राइट आंसर इज नॉलेज क्वेश्चन। यानी जो हमारा ये क्वेश्चन है हु इन्वेंटेड टेलीफोन, यानी ये हमने पहले से सीखा हुआ है, जो बच्चा है वो जानता है कि टेलीफोन किसने इन्वेंट किया था। तो देखें ये हमारा जो क्वेश्चन है ये है नॉलेज क्वेश्चन। What is the main idea of this story deals with knowledge question, evaluation question, senses question or comprehension question? यानी इस story का main idea क्या है? तो ये जो question है ये किस level के बारे में बात कर रहा है? तो इसका right answer है comprehension question. What happens when you multiply each of these numbers by 9 is an example of।
देखिए, जब आप दिए गए नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे 9 के साथ तो क्या आंसर्स आएंगे? तो ये जो हमारा क्वेश्चन है ये किस लेवल के बारे में बात कर रहा है, तो हम इसका राइट आंसर देखते हैं। तो ये है जी एप्लीकेशन लेवल, यानी बच्चा जो है वो मल्टीप्लिकेशन के बारे में पहले से जानता है। जब वो दिए गए नंबर्स को 9 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो ये क्वेश्चन होगा एप्लीकेशन क्वेश्चन। व्हाट आर सम ऑफ द फैक्टर्स दैट कॉज रस्ट, वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं, अवामल हैं जो रस्ट का बायस बनते हैं, जो जंग लगने का बायस बनते हैं। दिस क्वेश्चन इज अबाउट नॉलेज क्वेश्चन, कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन, एप्लीकेशन क्वेश्चन और एनालिसिस क्वेश्चन। इट्स राइट आंसर इज एनालिसिस क्वेश्चन। कंस्ट्रक्ट ए टॉवर 1 फुट टॉल यूजिंग ओनली 4 ब्लॉक्स, यानी सिर्फ 4 ब्लॉक्स हैं उनको इस्तेमाल करते हुए स्टूडेंट ने एक नया टावर जो है उसको उसने कंस्ट्रक्ट करना है। तो ये जो क्वेश्चन है ये है जी नॉलेज क्वेश्चन, सेंसिस क्वेश्चन, एप्लीकेशन क्वेश्चन और एनालिसिस क्वेश्चन। इट्स राइट आंसर इज सेंसिस क्वेश्चन। देखिए सेंसिस लेवल एक ऐसा लेवल होता है जिसके ऊपर जो स्टूडेंट होता है उसने जो पहले से मटेरियल या इन्फॉर्मेशन सीखी हुई होती है उसको इस्तेमाल करते हुए वो कोई नया मॉडल, कोई नया डिज़ाइन, कोई नई शेप जो है उसको वो डिवेलप करता है। व्हाट स्टोरी डिड यू लाइक द बेस्ट, यानी यहाँ बात की जा रही है कुछ स्टोरीज है उनमें से बच्चे से पूछा जा रहा है कि कौन सी स्टोरी जो है वो आपको सबसे ज्यादा पसंद आई है। तो ये जो क्वेश्चन है ये एवेल्युएशन क्वेश्चन है, सेंसेस क्वेश्चन है, एप्लीकेशन क्वेश्चन है या एनालिसिस क्वेश्चन है? तो जी स्टूडेंट इसका क्या आंसर होगा जी? तो इसका राइट आंसर है जी एवेल्युएशन क्वेश्चन, यानी एवेल्युएशन जो है इसके बारे में हमने पहले भी बात की हुई है। ये हाईएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग का कॉग्निटिव डोमेन के अंदर और एवेल्युएशन के अंदर हम बात करते हैं किसी भी चीज़ की इम्पोर्टेंस की, वैल्यू की, सिग्निफिकेंस की।